फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आज हमने जाना था, और दो हम थोड़ा लेट हो गए बट इट हैपेंस। तो आज यहाँ पे तीन खास बात, एक तो ये कि मैं काफ़ी अरसे के बाद एबटाबाद आया हूँ, सेकेंडली ये कि इलियासी मस्जिद के पकौड़ियों की अलग ही बात है, और उनसे भी ज़्यादा खास बात है कि मैं अपने एक यूनिवर्सिटी दोस्त के साथ हूँ जिससे मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज ज़ियाद ने जो है वो टाइम निकाला है और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बाद का मौसम भी कुछ ऐसा है कि पकौड़े खाने बनते हैं और ये जगह मशहूर भी है। तो लास्ट टाइम 2007 में पकौड़े खाए थे और इतने अच्छे लगे थे कि साल हो गए 13 ईयर्स ऑनवर्ड्स मुझे इसके लिए आ जाए। तो मैंने आप इससे ये क्लेम किया था कि ये नॉट जस्ट एबटाबाद की बल्कि पाकिस्तान के बेस्ट, ये अब आपको लगेंगे कि बेस्ट पकौड़े। अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये वाली अच्छी है कि वो वाली अच्छी है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, दोपहर को खाएं। चलें आप बिस्मिल्लाह करते हैं, पकौड़े आ गए, आप बिस्मिल्लाह करें ज़ियाद साहब। आज तो कुछ बेहतर मुझे लग रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छे ही लगेंगे। अब मैं भी बिस्मिल्लाह करता हूँ। ऑनेस्ट फीडबैक आपका, पकौड़े मज़े के थे, पहले तो वो लाया ठंडे थे यार थोड़े, फिर दोबारा जब वो लाया गरम गरम तो उसका टेस्ट अच्छा था। तो अब हम अच्छा ये कह सकते हैं हम दोनों इस बात में मुत्तफिक हैं कि वो जो हमने पहले पकौड़े खाए थे वो कहाँ पे, हरिपुर के नज़दीक, वो बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के, वो हमने बिल्कुल फ्रेशली हमें मिले थे, गर्म भूखी लगी थी काफ़ी, ये बात, और थे भी वाकई मज़े के। तो पहली पोजीशन उनको, इनको हम सेकंड पे दे, ये सेकंड है बिल्कुल मेरे हिसाब से, तो ये सेकंड है वो फर्स्ट है। अच्छा तो क्या ख्याल है वापसी पे वो हो जाए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह वापसी पे ज़रूर पकौड़े खाएंगे हम दोबारा उसी शॉप से। इसका मतलब है कि जैसे सुबह का नाश्ता लाहौर में सबसे बेस्ट है, नमकीन खाने पेशावर एंड आस पास के जो इलाके हैं, पकौड़ों के लिए इसका मतलब हज़ारा डिवीज़न फेमस है वाकई। कभी आना हुआ हरिपुर तो इलियासी पकौड़ा शॉप है, ये हरिपुर हरिपुर मेन हरिपुर ना, हाँ मेन बाज़ार, मेन बाज़ार एंड पे, हाँ ये उसको चौक का नाम जहाज़ चौक है, वो स्वाद चौक, सॉरी काफ़ी आगे था तो थोड़ा सा फासला है, स्वाद चौक के राइट साइड पे थोड़े से फासले पे 5 मिनट के रास्ते पे आपको लेफ्ट साइड पे इलियासी पकौड़ा शॉप मिलेगी, वहाँ से आप आए पकौड़े खाएं वहाँ से। तो हम वापसी पे उसके पकौड़े तो कमाल के थे नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा कमाल के इनकी चाय थी, चाय मज़े बाबर भाई। यानी फाइनल कमेंट्स, आपके फाइनल कमेंट्स से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑलवेज गुड टू सी यू। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई और रियली बड़ा इन्जॉय किया, और सबसे अच्छी बात ये कि इलियासी के पकौड़ों और चाय में बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है और मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मुझे खुद आज बड़े अरसे के बाद पसंद आए, होपफुली आपने मिल गए। इलियासी मस्जिद घूमने के बाद है, मस्जिद तो माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है, और पकौड़े भी अच्छे थे, बहुत मज़े के थे, चाय बेहतरीन चाय थी। आबिद भाई सियासी बयान ना दें। नहीं सियासी क्या मतलब, सियासी यार तुम, मैं सियासी तो बंदा तो नहीं हूँ, मैं आम बंदा हूँ। और बाबर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, तो यार एक ही बात है, आपके दोस्त हमारे भी दोस्त हैं, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।